Welcome to Nayi Subha's exciting world of stories, Timeless Tales, a fabulous initiative for all the story lovers out there. Brought to you by Nayi Subha, narrated by Hajra Saleem. मेरी कहानी 1914 बेहरा डिस्ट्रिक्ट सरगोधा में शुरू हुई। चिराग के धुंधलके में सुबह 4 बजे जब मैं इस दुनिया में आई तो दाई माँ मुझे देखते ही बेसाख्ता बोल पड़ी, आए हाय बच्ची की आंखें नहीं हैं। दरअसल जब मैं पैदा हुई तो बहुत हट्टी कट्टी थी। बाद में जब उन्होंने मेरे मोटे कल्ले जरा से नीचे किए तो मैंने आंखें खोली और सबकी जान में जान आई। मेरी नजर तो बहुत तेज थी, ना कभी ऐनक लगी ना कोई तकलीफ हुई। अब सोचती हूँ तो लगता है ये शायद कुदरत का कोई इशारा था, लेकिन फुर्सत किसे थी इशारे समझने की, क्योंकि मैं तो अपनी मस्तियों में मसरूफ रहने की आदी थी, जिसमें स्कूल टीचर्स पर स्प्रिंकलर से पानी उड़ाना और क्लास के दौरान शटल कॉक से निशानेबाजी करना वगैरह सरे फहरिस्त थे। मस्तीखोर होने के अलावा मैं बचपन ही से एक सामाजिक कारकुन भी थी। मैं टूटी हुई चीजें जमा करके उन्हें जोड़ने की कोशिश किया करती थी। लोग अक्सर अपने टूटे हुए जूते फेंक देते हैं, लेकिन मैं उनकी मरम्मत करके जोड़े बना के लाइन से पॉलिश करके रखा करती थी। ये मेरा सबसे मरगूब खेल था। इस पर जब अम्मी पूछती मेरी पाली फातिमा क्या कर रही है तो मैं कहती फातिमा एक अच्छा काम कर रही है। अब सोचती हूँ तो लगता है ये भी शायद कुदरत का कोई इशारा था, लेकिन फुर्सत किसे थी इशारे समझने की। मेरे नाना की ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूं। अम्मी तो 5वीं जमात के बाद पढ़ नहीं सकी, क्योंकि उस जमाने में लड़कियों को पढ़ाना खासा मायूब समझा जाता था और लड़कियों के लिए तालीमी इदारे ना होने के बराबर थे। लिहाजा अलीगढ़ से इंटरमीडिएट करने के बाद मैकडॉनल्ड मेरिट स्कॉलरशिप पर मैं लेडी हार्डिंग कॉलेज दिल्ली रवाना हो गई। ग्रेजुएशन के बाद मैंने लखनऊ के डफरिन हॉस्पिटल को एज अ गायनोकोलॉजिस्ट हाउस सर्जन ज्वाइन कर लिया। फिर 1937 में शादी के बाद मैंने इस्तीफा दे दिया और मसूरी की दिल फरेब वादियों में जवाद के साथ जाकर बस गई। वहां से मेरी जिंदगी का सबसे बेकार और नाकारा बाब शुरू हुआ, जिसमें सैर सपाटे और ऐशो इशरत के अलावा करने को और कुछ नहीं था। हमारे नौकर चाकर मुझे एक उंगली तक उठाने नहीं देते थे। मेरे शौहर ने कई बार मुझे मशवरा दिया कि मैं गरीबों के लिए एक क्लिनिक खोल लूं, लेकिन इस आराम ने मुझे बहुत बिगाड़ दिया था और काम करने की आदत बिल्कुल निकल गई थी। वो ढके छुपे लफ्जों में मुझे एक और बात कहा करते थे कि मैं उनकी तरफ तवज्जो दूं, उनका काम खुद करूं। मैं चाहती तो ऐसा कर सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया और इसकी वजह थी पोल खुल जाने का डर। हमारा डोमेस्टिक स्टाफ बहुत वेल ट्रेन्ड था और मैं बहुत पुअर थी। अगर मैंने उनका कोई काम किया और काम खराब कर दिया तो कहते हैं ना कि बेटी अपनी माँ की परछाई होती है। उमोरे खानादारी, सलीका मंदी, किफायत शुआरी, घरेलू इक्तसाद, सुगड़ खातून खाना, इन अल्फाजों के मफहूम मेरी लुगत में नहीं थे। जब मैं छोटी थी तो मेरी अम्मी ज्यादातर बीमार रहती थीं। मैंने अपने वालदेन को कभी हंसते बोलते नहीं देखा था, देखा नहीं तो सीखा भी नहीं। अम्मी अब्बू एक दूसरे की बहुत परवाह करते थे, मगर दोनों के बीच एक खलिश सी थी, दिमागी तफावत था। मेरे अब्बू अब्दुल मजीद कुरैशी रियाजी दान थे, चेयरपर्सन ऑफ द मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट एट अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, और अम्मी तालीम याफ्ता नहीं थी। वो अक्सर अब्बू के बारे में दो बातें कहा करती थी, एक तो ये कि अगर लाखों के मजमे में ये आदमी खड़ा हो तो मुझे कोई नहीं दिखता इसके सिवा, और दूसरी बात ये कि इंसान की शादी एक मजदूर से हो जाए लेकिन एक रियाजी दान से ना हो।
कम से कम उससे अपने दिल की बात तो की जा सके। हम 12 बहन भाई थे, मगर हमारी परवरिश एक महफूज, मुकम्मल, मोहब्बत से भरी फिजा में नहीं हुई थी, जहां मैं ये सीख सकूं कि घर कैसे चलाते हैं, मियां बीवी का रिश्ता कैसा होता है या कैसा होना चाहिए। मेरे पास डिग्री तो थी, लेकिन दुनिया का कोई भी कॉलेज आपको ये ट्रेनिंग नहीं दे सकता। चुनाचे मैंने शादी के बाद वो तमाम गलतियां की जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, और इसका नतीजा कुछ सालों बाद निकला। जब पाकिस्तान मूवमेंट शुरू हुई तो इन्होंने मुझे कहा कि मैं कराची जाऊं और वहां हमारे लिए एक घर ले लूं, ताकि हम वहां आना जाना कर सकें। इनका बड़ा दिल था कि हमारा पाकिस्तान में भी एक घर होना चाहिए। वो खुद तो जा नहीं सकते थे क्योंकि मुतवल्ली थे, लिहाजा मुझे भेज दिया। मैं 14 अगस्त से पहले तमाम कार्रवाइयां पूरी करके वापस जाना चाहती थी, लेकिन मेरी दोस्त ने इसरार किया कि मैं एक हफ्ता और रुक जाऊं और आजादी की तकरीब देख कर जाऊं। फिर कायदे आजम से मिलने का मौका मिले ना मिले, वहां रुकने का फैसला मेरे लिए बहुत बदकिस्मत साबित हुआ, क्योंकि सेरेमनी के फौरन बाद बलवाइयों ने हंगामे शुरू कर दिए। मेरी छोटी बेटी गाला मेरे साथ वहीं फंस गई, बड़ी बेटी रिहाना मसूरी में, जवाद गोरखपुर में, और मेरे अम्मी अब्बू अलीगढ़ में। मैंने हर मुमकिन कोशिश करके देखी, मगर किसी से रابطہ ना हो पाया। मेरे पास वहां रुककर सिविल हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कंटिन्यू करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। जिस घर से मैं एक कप चाय पीकर एक सूटकेस लेकर माली से ये कहकर निकली थी कि मैं 2 हफ्तों में वापस आ जाऊंगी, मैं आज तक उस घर में दोबारा नहीं जा सकी। फिर मेरी जिंदगी में एक ऐसा वाकया हुआ जिससे मुझे पैरों तले जमीन निकल जाने का असल मफहूम समझ आया। 1952 में मुझे एक खत मौसूल हुआ जिसमें लिखा था कि जवाद ने दूसरी शादी कर ली है। कहानी ने आगे क्या मोड़ लिया, ये जानने के लिए इंतजार कीजिए अगले हिस्से का।